ऋतु मयूर कला। सो आज हम है हर की पौड़ी में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर। आज हम अखाड़ों के दर्शन के लिए और गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं, तो अभी हम चलते हैं ब्रह्मकुंड की तरफ। अभी हमें यहाँ पे पता चला है कि चारों तरफ से इसे बंद कर दिया गया है, ब्रह्मकुंड पर नहीं जा सकते हैं। सुबह शायद 8 बजे से और शाम के 6 बजे तक अखाड़ों के लिए टाइम दिया गया है स्नान के लिए, तो अभी ये बेस्ट टाइम है अखाड़ों के दर्शन के लिए जाए। तो अभी हम लोग अखाड़े के दर्शन के लिए ही जाते हैं, बाद में स्नान के लिए जाएंगे। अभी आप जैसे इस वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पे हमें बहुत कम क्राउड दिख रहा है, बट जब मैं देहरादून से यहाँ हरिद्वार के लिए आई थी तो हमें बॉर्डर के बाहर ही ऋषिकेश एंटर भी नहीं करने दिया जा रहा था और वहाँ से ही गाड़ियों को वापस कर दे रहे थे। तो क्राउड बहुत है, लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्नान के लिए आ रहे हैं। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं क्योंकि रोड्स भी डाइवर्टेड हैं और लोगों को भी रोक दिया जा रहा है, गाड़ियों को वापस कर दिया जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने में। हमें खुद 3 से 4 घंटे लग गए हैं, जहाँ पर सिर्फ 1 घंटे लगते हैं देहरादून से हरिद्वार पहुँचने में। सो हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है, बट हाँ उतना ही वर्थ इट भी है यहाँ पर पहुँचना, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें जो अखाड़े हैं उनके भी दर्शन करने को मिलते हैं। तो बस हम फटाफट अखाड़ों की तरफ चल रहे हैं। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो में आपको अखाड़ों के दर्शन और उनकी पेशवाई से लेकर उनके स्नान तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। Thank you.
योगी गंगा के किनारे तट के पास में ही पूजा आराधना यज्ञ करते रहते हैं और यहीं पर स्नान करते हैं, गंगा स्नान करके और फिर पूजा उपासना में बैठ जाते हैं। इतनी धूप गर्मी में भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ही अचंभे की बात है। बाकी अब हम गंगा तट के किनारे आ गए और अब हम लोग भी स्नान के लिए जा रहे हैं अखाड़ों के दर्शन के बाद। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी और अपडेट्स के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।